पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी इतनी शानदार रही कि अपनी टीम के लिए उन्होंने वह पारियां खेली जिसको देखने के बाद हर कोई उनका मुरीद हो गया। भारतीय दिग्गजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए दोनों की बल्लेबाजी पर जो कुछ भी कहा उसे सुनकर शायद आप भी सलाम करेंगे। तो चलिए बताते हैं किसने क्या कहा, लेकिन अगर आप भी दोनों की बल्लेबाजी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले का टॉस भारतीय टीम ने जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत हालांकि धीमी रही, लेकिन रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन के स्कोर पर ही शाहीन अफरीदी की गेंद पर चकमा खा गए और अंदर आई हुई गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद भारतीय टीम को पहला झटका सिर्फ लग चुका था सिर्फ 15 रन के स्कोर पर ही, और ऐसे में भारतीय टीम के लिहाज से यह बेहद बड़ा झटका था। हर एक भारतीय फैंस था काफी ज्यादा उदास था, लेकिन सभी की उम्मीदें थी विराट कोहली के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की में हमेशा से ही दम करते आए थे। लेकिन विराट ने नसीम शाह की गेंद पर आते ही एक शानदार कवर ड्राइव तो खेला, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर विराट कोहली भी सिर्फ 4 रन के स्कोर पर ही बोल्ड हो गए। सिर्फ 29 रन के स्कोर पर ही दो बड़े विकेट शहनशाह अफरीदी ने आउट कर दिए थे, जिसके बाद हर एक भारतीय फैंस का दिल टूट गया था। उसके बाद श्रेयस अय्यर को 14 रन के स्कोर पर रऊफ ने अपना शिकार बनाया, और उसके बाद आपको बता दे कि शुभमन गिल सिर्फ 10 रन के स्कोर पर ही रऊफ की गेंद पर बोल्ड हो गए। भारतीय टीम ने 66 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे, और यहां से ऐसा लग रहा था कि भारतीय में एक तरफा इस मुकाबले को हार जाएगी। लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने बेहद ही शानदार अंदाज में एक साझेदारी बनाई। ईशान किशन तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के की भी बरसात कर रहे थे। दोनों की बल्लेबाजी का यह आलम रहा कि पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे थे। पहले ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा किया, और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बखूबी साथ देते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम लगभग 200 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी, और दोनों की बल्लेबाजी का यह आलम था कि उनके सामने हर एक पाकिस्तानी फैंस का सर झुक गया था। भारतीय खेमा पूरी तरह से खुश था। उसके बाद आपको बता दें कि ईशान किशन 81 गेंद में 82 रन बनाकर 5वें विकेट के रूप में आउट हुए, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उन्होंने एक के बाद एक शानदार चौके और छक्के लगाते हुए लगभग 40 ओवर में टीम का स्कोर 220 से भी ज्यादा पहुंचा दिया था, और हार्दिक पांड्या 81 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम इस मुकाबले में 266 रन तक पहुंच गई, और उसके बाद बारिश हो गई, जिसकी वजह से बारिश के चलते खेल शुरू ही नहीं हो सका। काफी लंबे समय तक इंतजार किया गया, लेकिन बारिश ने रोकने का नाम ही नहीं लिया। लेकिन उसके बाद मैच को ड्रॉ तो कर दिया गया। दोनों की घातक बल्लेबाजी को देखने के बाद सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, आज वास्तव में ईशान किशन और हार्दिक ने जिस तरह की बल्लेबाजी करी है उसे पता लगता है कि वह बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज जल्द ही आउट होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से बागडोर को संभाल, मुझे लगता है दोनों के अंदर अलग ही क्लास है। आज भारतीय टीम की नैया को अगर बचाने की अहम जिम्मेदारी किसी ने निभाई है तो वह हार्दिक और ईशान ही है। दोनों की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। वही महेंद्र सिंह धोनी ने भी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की तारीफ में खूब कसीदे पड़े। उन्होंने कहा, अपने आप में इस तरह की बल्लेबाजी देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है, और इससे यह भी पता चलता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा भी भारतीय टीम के पास बल्लेबाज है जो मुश्किल समय में टीम इंडिया के लिए इस तरह का प्रदर्शन कर सकती है। मेरा मानना है, इस तरह के युवा खिलाड़ियों ने जिस तरह से पिछले कुछ समय में खेल दिखाया है उसे एक बात तो साफ हो जाती है कि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। युवराज सिंह ने बीच अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ईशान किशन और हार्दिक की तारीफ करी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी अटैक के सामने जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज चूक कर गए, उस मुश्किल समय में इस तरह की बल्लेबाजी करना अपने आप में काबिले तारीफ है। यह चीज दर्शाती है कि दोनों ही बल्लेबाजों में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है जो मुश्किल समय में भारतीय टीम के लिए इस तरह की बल्लेबाजी करे। असल मायने में टीम का बेहतरीन खिलाड़ी वही है। दोनों ही खिलाड़ियों को मेरा सलाम। इस तरह से भारतीय दिग्गजों ने कसीदे पढ़ते हुए अपनी बात कही, लेकिन आप सभी दोनों की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।